हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये प्यारा सा सेवंती, जिसको गुलदाउदी भी बोलते हैं, येलो कलर वाला, इसकी मैं कटिंग लेकर आई थी और मैंने इसको बारिश में लगाया था। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कितने सारे बंचेज में फ्लावर्स आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े फ्लावर्स उसमें खिलेंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसमें नीचे से और भी पौधे निकल रहे हैं, नए वाले। वैसे तो ये ठंड में अच्छे फ्लावर्स देता है गुलदाउदी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा है, बट अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इसको अच्छे से कंडीशनिंग करके, इसको इसके ऊपर की बर्ड्स को काट दिया था मैंने, तो ये नीचे से नया पौधा निकल रहा है। तो आप इस तरीके से कटिंग करके इसमें और भी फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं। खाद के लिए आप इसमें कंपोस्ट वगैरह, या मैं थोड़ा डीएपी भी दे देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खेती होती है तो उसमें यूज़ किया जाता है, तो आ जाता है, तो मैं वो दे देती हूँ। आप चाहो तो वो दे सकते हो, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं मिल पाए तो भी अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी इस पौधे में। बाकी इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करें कि इसे ओवर वाटरिंग से बचा के रखें। आप इसकी मिट्टी को ड्रेनिंग मिट्टी बनाएं इसकी, ताकि जल्दी से पानी सूख जाए, क्योंकि ओवर वाटरिंग में सड़ जाता है। और बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।